हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लिक रिएक्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये रिएक्शन ली थी शार्पलेस ने इन 2001, तो अभी 2001 में रिसेंटली ही आई है, मतलब इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो ज्यादा चांसेस होते हैं पेपर में पूछे जाने के। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, बस आपको कुछ कुछ मेन बातें याद रखनी है, मैं आपको बताऊंगी इस रिएक्शन में। उससे पहले कई बार हम लोगों ने ये कन्फ्यूजन होती है कि मैम जो वीडियोस हैं किसी भी चैप्टर की वो हमें कॉन्टिन्यूएशन में नहीं मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी चैनल ज्वाइन किया है, आपने पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट किया है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें क्या हो रहा है, आपने कुछ पार्ट सिक्स पार्ट सेवन आपको दिखा, बट आप सोच रहे हो कि उससे पहले वाले वीडियोस कहां पर मिलेंगी। तो हर वीडियो के नीचे, जैसे सपोज करो पैराग्राफ की वीडियो है, मैं उसके नीचे क्या करती हूँ, पैराग्राफ वाले पूरे कंप्लीट चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो जिसमें सारे वीडियोस फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड आपको लाइन वाइज मिलेंगी। अगर ये नहीं करना है तो आप ये कर सकते हो, जे केमिस्ट्री जैसे सर्च करते हो, जहां पर चैनल की वीडियोस होती हैं उसके साथ में प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन होता है, तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जितने भी चैप्टर्स की मैंने करवाई है, एरोमेटिसिटी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, व्हाट एल्स, पैराइक्लिक रिएजेंट्स, ये सब जो मैंने करवाया है, या बाकी जो भी सीएसआई नेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो वीडियोस है आपको सारे यहाँ पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लिक रिएक्शन। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें सबस्ट्रेट क्या होता है उसको रिकॉग्नाइज कैसे करूंगी, क्लिक रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, तो जो सबस्ट्रेट है वो होती है टर्मिनल एल्काइन। अब ना कई बार मुझसे पूछते हो कि मैम जो हम नेम रिएक्शंस पढ़ते हैं उसके लिए नोट्स कैसे बनाने हैं, तो आप देखो मैं इसको स्टार्टिंग से पूरा बताते हैं। आप सपोज करो क्लिक रिएक्शन ही लिखना है, तो आप इसके लिए नोट्स कैसे बनाओगे, सब्सट्रेट क्या है, टर्मिनल एल्काइन, इसमें और क्या होता है, टर्मिनल एल्काइन होगी और क्या होगा, एल्काइन अजाइड, ये दोनों होंगे आपके सब्सट्रेट, इतना ठीक है। अब जो रिएजेंट है वो इसमें क्या होता है, रिएजेंट होता है कॉपर वन, इतना ठीक है, कॉपर जो होगा हमेशा प्लस वन स्टेट में होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, पेपर में ऐसा लिखा हुआ मिले इसके चांसेस कम होते हैं, ज्यादा आपको क्या मिलेगा लिखा हुआ, कॉपर सल्फेट। अब जो कॉपर सल्फेट है या तो लिखा हुआ कॉपर वन या फिर और करके, सपोज कॉपर सल्फेट यहाँ पर क्या है, कॉपर टू प्लस SO4 टू माइनस, बट यहाँ पर क्या है, कॉपर टू प्लस में है, इस रिएक्शन के लिए किसमें चाहिए, कॉपर प्लस वन में चाहिए। तो अगर कॉपर सल्फेट रिएक्शन में लिखा हुआ है तो उसके बाद साथ में आपको क्या लिखा होगा, कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जनरली इसमें क्या यूज कर रहे हैं हम, सोडियम एस्कोरबेट, एस्कोरबेट, सोडियम एस्कोरबेट जो होता है ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब या तो आपको कॉपर प्लस वन स्टेट में दिया होगा, या फिर अगर कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, कॉपर प्लस टू में दिया हुआ है, तो उसके साथ कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट दिया होगा जो क्या करेगा, कॉपर प्लस टू को कन्वर्ट कर देगा कॉपर प्लस वन में, तो ये वाले ज्यादा कॉमन है। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, टर्मिनल एल्काइन मतलब, टर्मिनल एल्काइन का मतलब है ये वाला, ये है टर्मिनल एल्काइन, मतलब एक साइड एच होना चाहिए, अगर मैं लिख दू ये आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, तो ये टर्मिनल एल्काइन नहीं है, टर्मिनल एल्काइन का मतलब है जो टर्मिनल वाले कार्बन है इधर फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड जैसे भी लिखा हुआ है, जो लास्ट वाली कार्बन है तो फ्रंट कार्बन यहां से और यहां से लास्ट वाले कार्बन, इसके ऊपर होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, और एक आपके पास होना चाहिए यहाँ पर एच, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर, ये है आपकी टर्मिनल एल्काइन, जबकि ये नहीं है, या फिर मैं हिंदू CH3 सपोज यहाँ पर ऐसे, तो फर्स्ट कार्बन कौन सी है, ये वाली, तो इसके पास होना चाहिए ट्रिपल बॉन्ड, बट ये क्या है, सेकंड वाली कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे वाली एल्काइन को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल एल्काइन, और उसके बाद है एल्काइन अजाइड, अजाइड मतलब RN3, यही होता है। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पर एन पर माइनस, इधर पॉजिटिव, ये है एल्काइन अजाइड। अब ये वाली रिएक्शन क्यों करवा रही हूँ मैं, इससे पहले वाली वीडियो जो आई थी पैराग्लिक, इसमें मैंने आपको पढ़ा था 1,3 डायपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, तो ये क्लिक रिएक्शन उसी का एग्जाम्पल है, हमने ये पहले भी पढ़ा है, ये क्या है, डाइपोलरोफाइल, नहीं ये क्या है, ये डाइपोलरोफाइल और ये है 1,3 डायपोल। कैसे, अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दू यहाँ पर, तो इधर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, इस साइड जो भी पॉजिटिव चार्ज, इधर सिंगल बॉन्ड यहाँ पर, और यहाँ पर ये, और इधर है नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या है 1,2,3, ये क्या है हमारे पास 1,3 डायपोल, ये है 1,3 डायपोल। और इस बार क्या है, जो टर्मिनल एल्काइन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिससे लास्ट वाले जो वीडियो थी उसमें आपको सिखाया था, जब तो वहां पर ना जनरली एल्कीन की बात कर रहे थे डाइनोफाइल के केस में, तो यहाँ पे डाइपोलरोफाइल के केस में ये है डाइपोलरोफाइल, डाइपोलरोफाइल,
ऐसे, तो या तो एल्काइन हो या फिर एल्काइन, बट क्लिक रिएक्शन के केस में टर्मिनल एल्काइन होगी और आपके पास होगा यही एल्काइल एजाइड ही हमेशा क्या होगा आपका एक सब्सट्रेट, तो ये दोनों होने चाहिए। उसके बाद कॉपर होना चाहिए प्लस वन में। अब क्या है, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा क्या होता है 1,4 आइसोमर ही बनता है हमेशा, ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में आपको यही फंसाएगा इसी चीज में। आपको ध्यान रखना है कि 1,4 आइसोमर बनता है। अब देखते हैं कैसे बनेगा। अब 1,4 ही जो लिखा मैंने ये बनता है, 1,5 नहीं बनता, ठीक है। अब देखते हैं कि 1,4 और 1,5 है क्या। जो ये वाला है हमारा 1,3 डाइपोल, इसको मैं ऐसे लिख देती हूं, ऐसे ही है ये, बस मैंने यहां पे साइन लगाया नेगेटिव, इधर लगाया पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारा 1,3 डाइपोल। अब जो हमारा ये एल्काइन है, अब यहां पर क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी करवाया था एग्जांपल एल्काइन वाला, तो एग्जैक्टली वैसे ही है। मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो इस बॉन्ड को मैं ऐसे ब्रेक करूं, इधर नेगेटिव आया इधर पॉजिटिव आया, ऐसे ब्रेक किया मैंने, इधर आया नेगेटिव इधर आया पॉजिटिव। या फिर क्या हो सकता है, मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करूं, ऐसे ब्रेक करने से क्या होगा, इधर आएगा नेगेटिव और यहां पर आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो पहले ना इसको ज्वाइन करते हैं, यहां पर इसको जैसे हम ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, ये बन गया, और यहां से नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे ऐसे, तो यहाँ ये वाले चार्जेस घट गए यहाँ ऐसे, तो ये आया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। यही होता है प्रोडक्ट, देखिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, इसमें सही से लिखती हूँ, तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब 1,4 का क्या मतलब है, देखो इस वाले केस में तो ये बना है, अगर मैं इस ये वाला केस लेती हूँ, इससे अगर मतलब डायरेक्टली इससे बॉन्ड बनाया बनाती तो कैसे बनता, इधर हमारा N, इधर डबल बोन। अब क्या है, यहां पर है पॉजिटिव साइन, यहां पर है नेगेटिव साइन, अब इधर प्लस है इधर माइनस है, मुझे जो माइनस वाला है वो इस साथ बोन बनाएगा, यहां पर कार्बन के साथ H, इधर डबल बोन इस वाले कार्बन के साथ ही R, ऐसे ही बनेगा, चार्जेस लगा देते हैं। तो एक है आपका ये वाला प्रोडक्ट और एक है ये वाला प्रोडक्ट। अब मैं 1,4, 1,5 क्या बोल रही हूं, देखो सबसे पहले जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब जिसमें कार्बन के साथ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन या फिर जैसे भी आपने थायोफिन भी पढ़ा होगा, सल्फर, इस तरह के जो हेट्रो एटम्स आ जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर किस तरह से होता है, नेमिंग कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहली बार फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी हेट्रो एटम। अब क्या है, इस बारे में देखते हैं, यहां पर भी हेट्रो एटम नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन, फर्स्ट हम किसको देंगे, जहां पर भी कोई मतलब सब्सटीट्यूशन होता है जहां पर भी, उसको हम देते हैं फर्स्ट। इस वाले नाइट्रोजन क्या है, सब्सटीट्यूशन मतलब आर लगा हुआ है, तो इसको हम देंगे वन। अब नेक्स्ट दो बातें आती हैं, टू, इस नाइट्रोजन को मिलेगा या इस वाले कार्बन को मिलेगा। तो जब भी कार्बन और नाइट्रोजन में से किसी को प्रेफरेंस देनी होती है तो हमेशा हेट्रो एटम को प्रेफरेंस मिलती है, तो आप क्या करोगे, टू इसको नहीं मिलेगा, टू इसको मिलेगा, अब स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहां पर ये क्या बना है आपका, जो ये वाला है ये आपका हो गया है 1,5 आइसोमर, ये हो गया 1,5 आइसोमर। अब यहां पर स्टार्ट करते हैं, इसको मिला फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ये क्या है आपका 1,4 आइसोमर, इतना ठीक है। तो जो 1,4 आइसोमर है आपका, ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट और 1,5 नहीं बनेगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है कि इस वाले केस में जो ये 1,5 आइसोमर बना है, 1,5 आइसोमर नहीं बनता, अगर हमेशा क्या होता है 1,4 आइसोमर बनता है, तो ये वाला होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। इधर समझ में आया। अब मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ इसी से रिलेटेड, क्लिक रिएक्शन का एक क्वेश्चन करवाती हूँ, मतलब देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन ये है, CH2Br मतलब बेंजाइल ब्रोमाइड, और इसमें ऐड किया हुआ है फर्स्ट स्टेप में NaN3 और सेकंड स्टेप में है A और साथ में लगाया हुआ है CH, ठीक है। इधर समझ आया, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में। हाँ इतना ही दिया हुआ है, उसके बाद अब देखो ये क्या है CH2Br, ये क्या है NaN3, इधर है प्लस और यहां पर है माइनस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा Br- है अच्छा लिविंग ग्रुप है निकल जाएगा, इधर जैसे ही पॉजिटिव आएगा
एन थ्री माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें फर्स्ट स्टेप में सी एच टू और साथ में लिखते हैं एन थ्री। अब एन थ्री को हम कैसे लिख सकते हैं वापस से, जैसे पहले लिखा था मैंने एन माइनस और ये प्लस, इतना ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप भी गिवन है, ये सी और ये एच, इसमें मैंने रिएजेंट लिखा नहीं हुआ, साथ में होगा दिया होगा आपको कॉपर सल्फेट और साथ में सोडियम एस्कोर्बेट, सोडियम एस्कोर्बेट। तो फर्स्ट स्टेप तो आपने सिंपल रिएक्शन करवाया, आपका ये आ गया। उसके बाद आप देख रहे हो कि ये आपका क्या बन गया है, एल्काइल अजाइल, और साथ में आपको दिया हुआ है टर्मिनल एल्काइल, और उसके साथ में गिवन है कॉपर सल्फेट और साथ में दिया हुआ है सोडियम एस्कोर्बेट। तो यहां से आप पहचान सकते हो कौन सी रिएक्शन है, क्लिक रिएक्शन। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो ऑप्शन में से अगर ऑप्शन गिवन है क्या करोगे, 1,4 आइसोमर जो भी है उसको ड्रॉ कर दोगे। 1,4 के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली देखो मैं ना प्लस माइनस भी नहीं करूंगी, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखूंगी। देखो किस तरह से लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे ब्रेक किया तो नेगेटिव हो गया, इधर आ गया पॉजिटिव। अब मुझे पता है 1 इसको मिली है प्रेफरेंस, 2 इसको मिली है, 3 इसको मिली है और 4 किसको मिलेगी, जिसपे सब्सटीट्यूएंट है उसको हमेशा 4 मिलती है। तो देखो इस वाले पे हमें मिली है 4 और यहाँ पे मिली है 5, तो आपको ऑलरेडी पता है इसको आपको किससे अटैच करना है, इस वाली कार्बन से। तो आप क्या करोगे, जैसे CH2 N इधर फिर से नाइट्रोजन और ये आपको क्या है 1, 2, 3। आपको ध्यान ये रखना है ये कार्बन तो यहाँ पर आई, अब जो ये पीएच वाला ग्रुप है ये यहाँ पर लगेगा यहाँ पर, तो हमें क्या करना है 1,4 आइसोमर बनाना है, मतलब 1 पोजिशन पे ग्रुप लगा हुआ है और 4 पोजिशन पे ग्रुप लगेगा। यहाँ पर 4 है तो 4 पोजिशन क्या होना चाहिए, ग्रुप लगना चाहिए, और ग्रुप क्या है ये बेंजीन रिंग, ठीक है। और यहाँ पर आ गया आपका एच, तो ये 5। तो आपको हर बार प्लस माइनस करके देखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली देखो कि ये है आपका 1 और 4 प्रोडक्ट। 1,4 आइसोमर का मतलब क्या है, जो 1 और 4 पोजिशन पे कोई ना कोई ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर अगर ये ग्रुप लगा हुआ है फर्स्ट पोजिशन पर और यहाँ पर 4 पोजिशन पे ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या है 1,4 आइसोमर, तो यही आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो बस आपको इसमें इतना ही करना होता है, आपको पहचानना की क्लिक रिएक्शन है, उसके बाद प्रोडक्ट बनाना है 1,4। प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे आप, डायरेक्टली नंबर का कोई ऐसे करना है 1, 2, 3 तो हमेशा ही रहेगी, बस ध्यान ये रखना है इस वाली कार्बन को 4 देना या इस वाली को। तो जो टर्मिनल कार्बन है जिसके पास एच लगा हुआ है उसको हमेशा 5 दोगे, और जिसपे कोई ग्रुप लगा हुआ है उसको हमेशा 4 दोगे, और फिर 3 को 4 से कनेक्ट कर दोगे, बस यही है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो बस इतनी ही थी क्लिक रिएक्शन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।